ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच गए हैं बोटिंग के लिए। रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। आए हैं मजे, पहुंच गए हैं हम मांडू। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोरल रिसोर्ट। और भाई कल रात तो हम लोगों ने भयंकर पार्टी शाड़ी करी है और ऐसा था कि वो जो नाच के तोड़ दी सैंडल और पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning था ना, वो एक्चुअली कल चल रहा था। सो अभी सबको उठाया मैंने। मेरा सीन ये था कि मैं सुबह सुबह उठ गया था और बाकी सब जो है वो सो रहे थे, तो उन आलसियों को सबको मैंने उठाया है और अब जा रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो भाई ब्लॉग के स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बड़ों को नमस्ते, छोटों की सियर, साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो जी आप पीछे तो मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे, अच्छा हरा भरा है चोरल रिसोर्ट। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको लेके जाते हैं बोटिंग के लिए। और राइट भाई, सो आ गए हैं डाइनिंग एरिया में और ये मेरे पीछे देखोगे आप, ये है चोरल डैम। तो इस पर थोड़ी देर से लेके जाते हैं आपको, पहले कुछ खाते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है क्योंकि कल की पार्टी के बाद तो क्या बताएँ। और कैसी रही कल की पार्टी? बहुत शानदार, बहुत मस्त। पपीता खा रहा हूँ, इतनी अच्छी डाइट पे है मेरा भाई डाइट पे है। गुड मॉर्निंग। क्या खा रहे हो? इडली सांभर। हमारा जो बंदर है ना वो चढ़ गया है ऊपर हाफ पैंट पहन के। ऐसा था कि इतना ही दम था, आधा मिलिट्री में वापस आ गए हम। सुबह ये पीछे तो देख रहे हो ना आप, ये पीछे जो है ये लोकल चोरल डैम है, रिजर्वायर टाइप आप कह सकते हो उसको, बिकॉज इसका एक ही सिंगल गेट है और पतली वाली कैनाल के थ्रू जो है वहाँ से पानी पास होता है। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुँच गए हैं बोटिंग के लिए। और भाई यहाँ पर ना आपको चोरल पे 3 टाइप की बोट्स मिलेगी। ये है जलपरी जो 18 मेंबर्स लेके जाती है, 150 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है। पीछे आप देख रहे हो स्पीड बोट, वो उसका भी 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, पर उसका जो राउंड है वो 5 मिनट का है, इसका राउंड 15 मिनट का है। इसके अलावा पैडल बोट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, ये ले सकते हो आप। 300 रुपये पर बोट का चार्ज रहता है। तो चलो फटाफट बोट करते हैं हम बोट पे और नज़ारे दिखाते हैं आपको। आइए। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पूरी भैया को थैंक यू सो मच, इनको भी थैंक यू, अरे आपको भी थैंक यू। सो भाई बढ़िया था। 15 मिनट वाली जो जलपरी है ना, वर्थ राइड है। क्यों? रिफ्रेश कर दिया, क्या बोलते हो? उससे रिफ्रेश कर दिया लिटरली। द विंड वाज ऑसम, वेदर वाज गुड और जो ठंडी और पानी की हल्की हल्की फुहारें लगी, उसमें मज़ा ही आ गया। और इतना सीनिक लग रहा था ना सब कुछ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था जो लैंडस्केप है भाई, मज़ा ही आ गया। और यहाँ की बोटिंग करनी थी हमको, नाइट स्टे था और अब निकल रहे हैं हम लोग मांडू के लिए। तो ये था चोरल रिसोर्ट जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया और अब चलते हैं आगे। और ऐसा है कि मांडू पहुँचने में कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा। वहाँ के सीनिक रूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो मांडू का रूट है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच गया हूं हाईवे पे और मांडू जो है 55 किलोमीटर दिखा रहा है इस पर्टिकुलर स्पॉट से। ऑल्दो अभी तक रेन गेयर्स तो डाले हुए थे पर हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। अभी तो मांडू जा रहा हूँ, मांडव जा रहा हूँ अभी। हाँ बस एकदम शानदार। हाँ चैनल है ना ये रहा। चलिए मिलते हैं ट्रैवल विद विश। चलिए ध्यान रखेगा, जय हिंद। अरे भाई बोले अरे आपका जय हिंद वाला चैनल है ना, मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल। चला यार, ऐसे लोग मिलते रहते हैं रास्ते भर तो मन लगा रहता है भाई, मज़े आ जाते हैं ऐसे लोगों से मिलके। तो भाई आगे लगा हुआ है जैम, देखते हैं क्या कहानी है। पुलिस भी खड़ी है। कुछ रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। अरे भैया यह ठोका है गाड़ी को, यह देखो चुटकी से छिपकली है हमारा हन्नू, इसकी होगी तबीयत ख़राब। क्या हो गया हन्नू पेटू में? तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, इनको अभी सहला ले हम। खूब कोल्ड ड्रिंक पी इन्होंने कल, खूब कोल्ड ड्रिंक पिए इन्होंने, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं ना। तो चलो थोड़ा इसको सेटल डाउन करते हैं, नॉर्मल करते हैं और फिर चलते हैं। ऐसा है कि हमारी चिंटुकली की तबीयत थोड़ी बेटर हो गई है और फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं शानदार सा घाट। देखो आप यार, अल्लाह की मज़ा आता है घाट को जब आप क्रॉस करो ना यहाँ से। वो तो सही, क्या प्यारा लग रहा है यार, क्या प्यारा लग रहा है। मतलब एमपी के अंदर ना आप स्टेट हाईवे से जाओ आपको मज़े आ जाएंगे भैया, मज़े आ जाएंगे। जैसे अभी मैं अपनी लास्ट ट्रिप पे गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ से भी क्या व्यू थे भाई, क्या व्यू थे। और यहाँ भी एकदम हरित क्रांति छाई हुई है। मजे, क्या खुशबू आ रही है यार, क्या खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी नेचर की फ्रेगनेंस आ रही है ना, क्या बताऊं। और ऊपर से ये रास्ते जिन पे हम चल देते हंसते हंसते, अपने बंदे हाईवे पे तो बड़ी गाड़ी भगा रहे थे ये, और यहाँ की सड़कों पे तो अब साथ ही चलना पड़ेगा ना मेरी जान। पहुँच गए हैं हम मांडू। ये यहाँ पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। सो फटाफट हमने सोचा कि आए हैं तो महादेव के दर्शन किए बिना तो नहीं जाएंगे भाई, है ना। तो ये नीचे उतर के भगवान शिव जी स्थापित हैं वहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर जो आप ये कुंड देख रहे होंगे, सो इसमें जो पानी जमा होता है उसके थ्रू नीचे कंटिन्यूसली शिव जी का जलाभिषेक होता है। और कुछ इस तरह की लोकेशन है, पीछे देखोगे आप, बहुत ही शानदार। सो चलते हैं लेके आपको नीचे, हर हर महादेव का नाम लेते हुए। अब हम जहाज महल जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, और वासु यहाँ पे एकदम दासो है। क्या खा रहा है? बनाना चिप्स। ये बनाना चिप्स खा रहा है। बनाना चिप्स एकदम जो है ना हॉट हॉट, अभी तल के निकाली है। तो हनु कुछ खा नहीं रहा, हनु कुछ खा लो यो। सुबह ऐसा है सब, सॉरी सबको लग रही थी भूख, रुके हैं भुट्टे के दुकान पे और यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग भुट्टे। अब अमेरिकन देसी के बीच में जो वॉर चल रही है, तो देसी वाले जीत रहे हैं, अमेरिकन वाले हार रहे हैं। और उससे पहले हम ककड़ी खा चुके हैं, और हमने बनाना चिप्स हॉट वाले वो खा चुके हैं, और हमने सिर्फ और हरी मिर्च के भजिए खाए हैं। और भाई वो पहला भजिया ही खाते ना, बोला गया कि प्याज के हैं, बस पहला भजिया खाते ज़िंदगी के सारे मज़े आ गए थे। तो ऐसा है कि अब आगे आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, पहले हम भुट्टे वुट्टे खाते हैं, उसके बाद जाते हैं जहाजमहल, टिकट वगैरह लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जैसा भी होता है। अगर टाइम लगा, जैसे मैं तो रुकने वाला हूँ यहाँ पे, ये लोग आज रात ही निकल जाएंगे, बिकॉज़ कहानी क्या है कि मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है और इन लोगों को तो सिर्फ घूम के चिल मारना था। तो ठीक है, पहले हम खाते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं अपने भुट्टे, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। ऑलराइट दोस्तों, सो आ चुके हैं जहाज महल के अंदर, और जो टिकट है जहाज महल की एंट्री का वो है 25 रुपये प्रति व्यक्ति। 15 साल अबव प्लस में आपको 25 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगा। उसके नीचे के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। और फिलहाल ये आप मेरे पीछे देखोगे शानदार सा जहाज महल, और इसको जहाज महल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जहाज की आकृति का बना हुआ है। तो जहाज महल के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताता हूँ आपको, कहानी है ये। जो पीछे आप मेरे वाटर टैंक देख रहे हैं, ये यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। तो क्या है कि जो बारिश का पानी होता है, जिसे हम आज के डेट में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो ज़मीन के नीचे करते हैं। ज़मीन के ऊपर तालाब खोद के यहाँ पर कुंड बनाए जाते थे और इसी को आगे वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जिसके थ्रू वो पानी जो आप पीछे देख रहे हैं जहाज महल, यहाँ ऊपर पहुँचाया जाता था। भाई फ़िलहाल हम पहुँचे हैं रानियों के स्विमिंग पूल में। ये आप देखोगे पीछे मेरे, तो ये रानियों का स्विमिंग पूल है जिसमें वो राजा बहुत सारे बच्चों के साथ में बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको बच्चे, और जंप मार दिए एक बच्चे। तो भाई अब हम जा रहे हैं खुफिया रास्ते से। ये खुफिया रास्ता जो है ना, इतना खुफिया कि सबको पता है। सब जा रहे हैं हमारे साथ, और भी लोग जा रहे हैं। हिंडोला हाय हिंडोला, हिंडोला हाय हिंडोला। राइट, सो फ़िलहाल मैं आया हूँ जल महल देखने के लिए। जल महल आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, जयपुर में भी जैसे है जल महल है, उदयपुर में भी जल महल है। ऑलराइट दोस्तों, सो दिन भर की टायरिंग राइड और इतना जो हमने एक्सप्लोर किया, उसकी थकान को मिटाने के लिए मैं रुका हूँ मांडू, बिकॉज मुझे आगे भी एक्सप्लोर करना है। क्योंकि मांडू में जो है हम सिर्फ बाबा के मंदिर के दर्शन कर पाए और जहाज महल गए थे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मांडू में, जैसे रानी रूपमती का महल है और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो वो मुझे कवर करने थे। सो हुआ ऐसा दोस्तों कि उन लोगों को जाना था वापस इंदौर, तो वो 6 के 6 वापस इंदौर के लिए निकल लिए। कुछ 8:30 पौने 9 बज गए थे हमको। और भाई अब मैं रुका हूँ होटल शिवानी में और दिखाता हूँ आपको रूम, आइए अपना। सो इस तरह के कुछ रूम हैं, ये कबर्ड वगैरह है और मिरर वगैरह है यहाँ पे। वॉशरूम भी अच्छा है इनका, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन वॉशरूम है। इसके अलावा रूम काफ़ी बड़ा है, आप रूम देखोगे। सो रूम का जो साइज़ है बहुत मैसिव है भाई, बहुत मैसिव। ये देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, आपको वाइड एंगल में दिख रहा होगा कि वहाँ सोफ़ा है और वहाँ तक बेड और खिड़की है, तो काफ़ी बड़ा रूम है। सो भाई ऐसा है कि अब अकेले रह गए। दोस्त लोग चले गए। बहुत ज़्यादा मस्ती करी हम लोगों ने जो 2 दिन साथ थे हम लोग। पर वही होता है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपने अपने जॉब्स हैं, सबके अपने वर्कलोड हैं। सो हमारा तो काम ही यही है। सो भाई ऐसा करते हैं कि अब रूम चेक इन कर लिया है मैंने, और भाई फटाफट से शावर लूँगा, खाना खाऊँगा और भाई सो जाऊंगा, बिकॉज टायर्ड बहुत हो चुका हूँ। चलना काफ़ी पड़ा था, उसके बाद राइड वाइड भी थी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं। कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको मांडव की बची हुई जो चीज़ें हैं, जो धरोहर है हमारे हिंदुस्तान की। तो चलिए हमेशा की तरह हैप्पी नोट के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करता हूँ। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।